हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। चलिए दोस्तों, आप लोग के बीच में एक छोटा सा स्टैंड लेकर आया हूँ, जो डिब्बा भी ओपनिंग करता हूँ, इसको इनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो चलिए, अभी हम डिब्बा देख रहा हूँ भाई, बहुत मस्त लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है। तो इसको हम बहुत जल्दी ओपनिंग करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करें और कॉमेंट करें प्यारा सा, क्या चीज आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कॉमेंट कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, नहीं कर रहे हैं भाई। तो चलिए, मैं इनबॉक्सिंग करता हूँ डिब्बा बहुत जल्दी। तो चलिए, मेरे पास स्टैंड लेकर आया हूँ मोबाइल के लिए स्टैंड। तो चलिए, आप लोग देख सकते हैं स्टैंड, ये वाला स्टैंड लेकर आया हूँ प्यारा सा है, देखिए। और इसका प्राइस की अगर बात कर लूँ तो 60.99, तो आप लोग देख सकते हैं। और इसमें क्या क्या है अभी तो मुझे कुछ पता नहीं, खोलने के बाद पता चलेगा क्या क्या है। तो इसमें और क्या क्या लिखा हुआ है, तो चलिए आप लोग देख सकते हैं। RD स्टैंड है, जो कार में भी, कार मोबाइल स्टैंड लोग कार में भी लगाते हैं, हर चीज़ में लगाते हैं, गाड़ी में। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें छपा हुआ भी है कार वाला फोटो, तो देखिए। तो चलिए, इसको हम जल्दी से इनबॉक्सिंग करता हूँ। अरे भाई, गिर क्यों रहा है? तो चलिए, जल्दी से इसको हम इनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो मेरे पास कोई आदमी नहीं है जो हम मोबाइल पकड़ के इसको इनबॉक्सिंग करूँ, तो अगर मुझे चक्कू उक्कू का ज़रूरी पड़ेगा तो एक हाथ से दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मुझे मदद लेने पड़ेगा अपना दोनों नीचे वाला पैर का। तो इससे अच्छा हम, चलिए, अपना दोनों पैर का मदद लेता हूँ और जल्दी इसको हम इनबॉक्सिंग करता हूँ, जो क्या चीज़ निकलता है इनबॉक्सिंग करने में। तो चलिए, दोनों पैर का मदद से हम इसको देख सकते हैं आप लोग। तो हेलो दोस्तों, पहली बार तो निकला एक ये, और पहली बार तो इनबॉक्सिंग कर रहा हूँ कुछ हम एक। तो चलिए, इसमें और कुछ है नहीं, डिब्बा खोल के आप लोग को दिखा दिए, कुछ नहीं है। तो चलिए, मेरा पैर का जो अब है काम वो ख़त्म हो गया, तो चलिए हम इसको डिब्बा साइड कर दिए, तो मेरा कुछ काम का नहीं भाई। मैं खाना खाया हूँ बहुत, इसलिए हिचकी भी लग रहा है, फिर भी मुझे जोरी पड़ रहा है, पैर का हेल्प मुझे चाहिए। तो चलिए, इसको हम निकालते हैं जल्दी। तो इसमें ये एक स्टैंड मिल गया, और दूसरा क्या है दूसरा? अच्छा भाई, इसी में मोबाइल फिट होगा, जो मेरा हाथ में मोबाइल है आप लोग देख सकते हैं, तो मोबाइल इसी में होगा फिट। कैसे होगा फिट भाई? नहीं ओपन हो रहा है यार, कैसे होगा? अच्छा, ये ओपन, अच्छा ओपन में है। तो यूँ डिचूँ 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 भाई, अगर मोबाइल लगाना है तो ऐसे ही ओपन कर ले, इसके बाद लगाइए। तो चलिए, आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद ये फिर इसमें और क्या है सिस्टम, तो थोड़ा पैर के मुझे मदद चाहिए, तो इसको खींच के देखते हैं। हाँ, खींचाता भाई, तो चलिए खींचाता है। और बीच वाला बटन क्या है, तो इसको हम देखते हैं दबा के, कौन ये कंप्यूटर वाला तो ये नहीं है ना भाई? तो नहीं यार। तो चलिए, ये मुझे समझ में नहीं आया क्या है बटन, तो इसको हम फिर देखते हैं। अच्छा, इसको होने के बाद हाँ, मोबाइल इसमें बीच में रहेगा, तो मोबाइल अगर ऐसे दबाइएगा तो एक मतलब ऑटोमेटिक लॉक इसका छटक जाएगा और यहाँ लॉक हो जाएगा मोबाइल। और जैसे कि ये है, तो इसको देखिए नीचे खींच लेना है, इसको नीचे खींच लेना है। कैमरा में सही से दिख नहीं पा रहा है, क्यों मैं उधर भी देख रहा हूँ और कैमरा में भी देख रहा हूँ, इसलिए मिस्टेक हो जा रहा है दोस्तों। तो चलिए, इसको ये बटन को हम दबाते हैं, तो कैसे इसका मतलब लॉक ऑटोमेटिक छोड़ देगा, देखिए। तो चलिए, तो इसमें अब नहीं काम करता, तो इसको ओपन करके मतलब इसको अंदर डालिएगा तो वो बाहर निकलेगा, इसी में लॉक होगा मोबाइल। तो चलिए, लॉक होने के बाद ये बटन ऊपर आ जाता है, ऊपर आ आने के बाद इसके बाद इसमें दबाइएगा मोबाइल, अगर रहेगा तो मोबाइल हल्का दबाइएगा तो लॉक हो जाएगा इसे। तो चलिए, और इसके बाद क्या है ये, तो इसमें स्टैंड भाई, तो ये तो गोल सा है, मुंडी बना हुआ है, और ये तो एंटीना जैसे लग रहा है, इसमें क्या है? तो प्लास्टिक एक पन्नी चिपकाया हुआ है इसमें,
देखते हैं कवर के। तो ये गोंद इसमें लग रहा है, अरे बाप रे हाथ चिपक जा रहा। तो चलिए अब इसको हम कैसे थे घरे, तो उठ भी नहीं कर रहा। फिर मुझे पैर के मदद लेने पड़ेगा, तो इसको हम साइड में रख देते हैं, इस जगह इधर साइड में रख देते हैं। अब इसको देखते हैं, तो ये तो खुल गया। अच्छा तो खुलने के बाद, अच्छा ये बात है, मुझे सिखा रही है। तो इसको हम लॉक कर दिए, तो ये लॉक हो गया। और एक लॉक यहाँ भी लिखा हुआ है, जैसे कि अगर कांच में चिपकाना तो इसको ऐसे करके, और कहाँ भी चिपका सकते हैं। देखें हम यहाँ चिपका कर, चिपकता है यहाँ, चिपक जा चिपक जा यार, ऐसे नहीं चिपकेगा। अच्छा पन्नी हटाने पड़ेगा ना, तो चलिए पन्नी हटाने पड़ेगा तब चिपकेगा। यहाँ चिपकता है नहीं चिपकता, पन्नी हटाने पड़ेगा तब। तो इसके बाद यहाँ तो है, फिर इसमें एक यहाँ भी दिया है नट बोल्ट। तो इसमें क्या है सिस्टम देखें, तो इसका सिस्टम, अच्छा वाह क्या बात है, तो और ओपन होने वाला है। तो ये सिस्टम है, उसके बाद हम इसको कहाँ फिट करेंगे, इसे इसे ये तो नहीं हो रहा भाई, कैसे होगा। तो चलिए, अच्छा उसमें भी नट बोल्ट है, तो इसको हम नट बोल्ट थोड़ा खोल लेते हैं, लो ढीला कर लेते हैं, और अब देखते हैं घुसा के। तो ऐसे नहीं घुसाएंगे, इसको इसमें डाल लेता हूँ पहले। हाँ ऐसे था, नहीं ऐसे था, हाँ। और उसके बाद इसको हम इसमें डाल देता हूँ। तो पहले हम डाल दिए नट को, इसमें डाल दिए मुंडी में जो गोल सा बना हुआ है। और इसको मुझे कैसे रखना, तो कैसे भी हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें, इसको हम इसमें डाल देता हूँ, और तो हम डालने कोशिश किए, डल गया। तो चलिए कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तभी मुझे और थोड़ा मदद लेने पड़ेगा पैर का। तो चलिए हम इसको टेट कर लेते हैं नट, जो लग रहा है मुश्किल होगा टेट करने का। तो टेट हो गया, तो ज़्यादा टेट नहीं करेंगे, ज़्यादा टेट करेंगे तो क्या होगा, इसको इधर उधर करने में ये होगा, ऐसे बोलो, ज़्यादा टेट करने के बाद इधर उधर ये नहीं होगा। तो चलिए बढ़िया हो गया, टेट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको सिस्टम उठा के देखते हैं। अच्छा तो एक नट है इसका नीचे लो, तो उठाने के बाद फिर मुझे पैर का मदद लेने पड़ा, देख सकते हैं पैर का मदद लेने पड़ा। अब पैर से इसका टेट कर लेता हूँ। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हो गया है, हैं फिर चला गया यार, तो चला गया यार, टेट नहीं हो रहा, क्या बात है भाई, क्यों नहीं हो रहा टेट। तो इसको हम बढ़िया से थोड़ा टेट कर लिए, हाँ अब टेट हो गया। तो स्टैंड मेरा रुक रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा सीधा करने के लिए, अच्छा उधर ज़्यादा खड़ा करता हूँ, तो खड़ा करने के लिए हो गया। देख सकते हैं अब यहाँ मोबाइल रख के बढ़िया से आप बात भी कर सकते हैं किसी से, वीडियो कॉल अगर बात करना है, नहीं तो फिर यहाँ कांच में अगर चिपका के इस जगह चिपका देते हैं कांच में, उसके बाद मज़ा आराम से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो आप लोग को अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। और आज से इससे हम ब्लॉगिंग करेंगे, यहाँ से जो यहाँ रख लेंगे इस जगह, और बढ़िया से ब्लॉगिंग कर सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और इससे और क्या मुझे मिलने वाला, और कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए यही मुझे फ़ायदा है कि ट्रक में चलते समय हम एक साइड मतलब रख सकते हैं इसको कहाँ भी, और चाहे सड़क अगर मुझे अनजान सड़क में जा रहा हूँ तो मुझे इसमें लोकेशन फिट करके और हम देख सकते हैं आगे, मतलब यूँ ऐसे देख सकते हैं। जो हाथ में पकड़ने पड़ता था वो सिस्टम मुझे नहीं रहेगा हाथ में पकड़ने के लिए, तो इससे थोड़ा हल्का खतरा कम भी रहेगा और खतरा भी और बढ़ के भी रहेगा। तो चलिए अब क्या समझ में आता है आप लोग को, प्लीज़ वीडियो में ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।